वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम घर पर केसर पेड़ा बनाएंगे। ये बनाने में जितनी इजी और खाने में टेस्टी है, आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए मैंने बाजार का मावा या खोया लिया है। इसे एक हैवी बॉटम पैन में ऐड करें और इसे 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनें। मावे और खोए को हम जितना भुनेंगे, ये उतने ही उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इसे भुनना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 दिन तक का बाहर भी रख सकते हैं। अब इसमें हम केसर के धागे हमने दूध में भिगो के रखे थे, उन्हें डालें और थोड़ा गाढ़ा होने तक भुनें। अब हमारा ये थोड़ा भुन चुका है। अब इसमें आप 1 चम्मच घी डालें। यदि मावा क्वालिटी का है तो इसमें थोड़ा कम घी लगेगा, और अगर बहुत थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड करें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा मावा भुनकर एकदम तैयार है। गैस बंद करें और इसे एक बाउल में ट्रांसफर करें और इसे इतना ठंडा होने दें कि हम इसे हाथों से टच कर सकें। मावे को पूरा ठंडा नहीं करना है। यदि ये पूरा ठंडा हो गया तो जब इसमें हम जो चीनी मिलाएंगे वो अच्छे से नहीं मिलेगी। अब इसमें पाउडर शुगर या पूरा शक्कर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो डालें और इलायची पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। यदि आपको भूरा शक्कर नहीं मिलता है तो आप घर में ही नॉर्मल चीनी को मिक्सर में पीस लें और वो ऐड करें और इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिलाएं। अब इस तैयार मिक्सर से आप छोटे छोटे पेड़े बनाएं। आप अपने मन पसंद और अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा पेड़ा बना सकते हैं। अब इसे आप इसका कतरन से सजाएं। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर ये पेड़ा का मोल्ड है। मैं इसमें दोनों तरफ से भरा और इसे अच्छे से दबा के प्रेस किया और इसे डीमोल्ड कर लिया और एक सुंदर सा पेड़ा तक बन के तैयार है। देखिए, हम घर में भी कितनी इजी तरीके से केसर पेड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से आप सारे पेड़े तैयार कर लें। अब मैंने यहाँ पे इसे पिस्ता कतरन से सजाया है। आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। थोड़े केसर के धागे इन पे रखें, ये दिखने में और सुंदर लगते हैं। और घर के बने हुए शुद्ध और अच्छी क्वालिटी के पेड़े तैयार है। थैंक यू।